हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक बार फिर से रिव्यू। मैंने बनाई थी दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी थी। घर के सारे लोगों ने इसे पसंद किया, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये दाल का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ढाबे में मिलने वाली दाल की तरह है, और ये काफ़ी टेस्टी बनी है। तो आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुकर में सरसों का तेल गरम कर लिया है, मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। मस्टर्ड ऑयल के गरम होते ही मैंने इसमें आधी चम्मची के बराबर ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा इसमें अच्छे से चटक जाए तो मैं इसमें डालूंगी कटे हुए लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च। मैंने एक हरी मिर्च को पीसेज में काट लिया है और दो तीन लहसुन की कलियाँ को पीसेज में काट लिया है, और उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें मैं डालूंगी प्याज। प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। मैंने इतना प्याज काट लिया है, लेकिन मैं सारा प्याज नहीं डालूंगी, मैं कुछ ही प्याज को डालूंगी और कुछ प्याज को मैं बचा लूंगी। देखिए, मैंने थोड़ा सा प्याज बचा कर रखा है और कुछ प्याज को मैं डाल रही हूँ। और प्याज को अच्छे से तेल में फ्राई करना है। देखिए, मैंने इतना प्याज को बचा लिया है, उसको मैं आगे यूज़ करूँगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि ये प्याज कहाँ पे यूज़ होगा। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। मैंने एक छोटे से टमाटर को पीसेस में काट लिया है और उसको मैं इसके साथ अच्छे से फ्राई करूँगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी नमक, जो कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। और मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच के बराबर हल्दी। हल्दी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि वो दाल के जो कलर को है ना, वो काफ़ी डार्क बना देता है और जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं सब चीज़ को अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। और फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। हींग जो है वो दाल के टेस्ट को काफ़ी इन्हांस कर देता है, टेस्टी बना देता है, और साथ साथ हींग जो है वो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं इसमें लगभग दो चुटकी के बराबर हींग डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने उड़द की दाल को धोकर 20 मिनट तक मैंने इसे फुला दिया है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। आप यहाँ पर किसी भी दाल को लेकर इस रेसिपी को बना सकते हैं। मूँग की दाल हो, अरहर की दाल हो, या मसूर की दाल हो, आप कोई भी दाल लें, इस तरह से बनाएं, काफ़ी टेस्टी बनती है। मैंने उड़द की दाल इसलिए ली क्योंकि उड़द की दाल जो है वो हेयर के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए मैं उड़द की दाल को लेकर बना रही हूँ। और सब चीज़ को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाला है लगभग एक ग्लास पानी, और सब चीज़ को मैं अच्छे से मिला दूँगी और कुकर के ढक्कन को मैं लगा दूँगी। लगभग चार सीटी आने के बाद मैं जो गैस का फ्लेम है उसको बिल्कुल धीमे आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और फिर गैस ऑफ कर दूंगी। और जब कुकर ठंडा हो जाए तो आपको कुकर खोल लेना है। आपको दाल कुछ इस तरह की दिखेगी, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर दाल बहुत पतला भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला करना है। और पतला करने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे पतला करूंगी। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अलग अलग तरह के वीडियोस लाती हूँ, जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लाइफस्टाइल पे होती है, रेसिपीज़ के ऊपर होती है, बेबी केयर पर होती है, ऑनलाइन शॉपिंग पर होती है। ऑनलाइन शॉपिंग पर रिव्यूज़ होता है, जहाँ मैं घूमने जाती हूँ उस जगह का रिव्यूज़ होता है। तो ये सब जानने के लिए और देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैंने दाल को अलग से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, और उसके बाद मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़का के लिए मैंने डाला है 2 चम्मच घी, और उसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। और ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसमें डाला है प्याज, जो मैंने प्याज बचा कर रखी थी। मैंने 2 चुटकी 3 चुटकी लगभग मैंने ज़ीरा डाला है और कटा हुआ प्याज है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करके मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, इसको मैंने हाथ से तोड़ लिया है। जब सब चीज़ अच्छे से फ्राई हो जाए घी में, तभी मैं इसमें डालूँगी कटा हुआ हरा धनिया, इससे दाल का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे दाल का टेस्ट जो है वो
वो भी अच्छा हो जाता है, साथ साथ उसका कलर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आप इस तरह से दाल ज़रूर बनाएं, कोई भी दाल लें, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, बहुत ही टेस्टी बनेगी। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद, थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दें। तो यहाँ पर ये दाल रेडी है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था और ये काफ़ी हेल्दी है। आप इसे सभी को खिला सकते हैं, बच्चे बूढ़े सब इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा बने तो मेरे चैनल पे आकर, मेरे इस वीडियो पर आकर कमेंट ज़रूर करें, नीचे मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि ये दाल कैसे बनी थी।